ब्लैक सी में रूस को काउंटर करने की तैयारी। समंदर में वॉरशिप भेज सकते हैं पश्चिमी देश। एस्टोनिया लिथुआनिया के बीच बातचीत जारी। नौसैनिक गठबंधन की तैनाती पर चल रही है बातचीत। ब्लैक सी में रूसी कब्जे में फंसे अनाज को छुड़ाना मकसद, क्योंकि डॉलर खाए नहीं जा सकते, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से पेट नहीं भरता, उसके लिए चाहिए अनाज। ब्लैक सी की रियल टाइम इंपॉर्टेंस इस समय पता चल रही है और यह बात रूस को भी पता है, लेकिन रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, कपिल सर आपकी टिप्पणी, जो अमेरिका बताए साहब, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर या मिस रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, एवरीथिंग इज रूल अकॉर्डिंग टू अमेरिका, और दूसरा कोई देश समझे तो वो कोई रूल ही नहीं है। वो अमेरिका ने गेहूं कहां गया भाई, वो अमेरिका बड़ा गेहूं उगाता था, वो PL 480 में कभी हिंदुस्तान को देता था, किस समय बड़ी शर्तें लगा के हमें PL 480 का गेहूं दिया था 60s के अंदर, 62-64 वगैरह में जब हमने क्राइसिस फेस किया था, तो अमेरिका का गेहूं आज कहां चला गया यूरोप को खिलाने के लिए, या यूरोप लेना नहीं चाहता उस गेहूं का, या वो लाल रंग का गेहूं है वो यूरोप वो लाल गेहूं खाना नहीं चाहता है जो अमेरिका लाल गेहूं पैदा करता है। और ये रूल बेस्ड ऑर्डर का जो मतलब है, ये सिर्फ देखिए, मैंने पहले दिन ये कहा था कि यूपी अमेरिका के जो मल्टीनेशनल्स हैं, अमेरिका की जो बड़ी कंपनीज हैं, इस युद्ध को प्रोलॉन्ग करेगी, यूरोपियन इकोनॉमी को ध्वस्त करेंगी और यूरोपियन अमेरिका को वो डोमिनेट करेगी। और उसके पीछे एक हिस्टोरिकल एनालिसिस है कि आप देखिए, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच में भी आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा हो चुके थे, क्योंकि वो अपनी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी की बात करते हैं, वो भी अपनी इकोनॉमी को जो है ना रशिया पे ना अमेरिका पे डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, और एक झटके में अमेरिका ने जो है यूरोपियन इकोनॉमी को अपने पे डिपेंडेंट बना दिया है कि अब यूरोप को आर्म्स के लिए पूरा अमेरिकन इंडस्ट्री पे डिपेंड करना पड़ेगा, तो फिर से यूरोप को अपने पे डिपेंडेंट बना के अपनी सुप्रीमेसी। हथियार, काश के हथियार खाए भी जा सकते और खाकर कुछ अपनी जान भी बचा सकते। बहरहाल, ये एक अहम खबर आपको बताना चाहता हूं ब्लैक सी के बारे में, जो मैं आपको बता रहा हूं। ब्लैक सी का सिग्निफिकेंस रूस पहचानता है, अब स्टूडियो में चलकर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे यूक्रेन पहचानता है, अमेरिका पहचानता है, नेटो पहचानता है, यहां पर होने वाली तैनाती इस बात का सबूत है। आपको याद होगा मोक्सवा को जब डुबाया गया, जब नेपच्यून मिसाइल फायर की गई, तो जाहिर है ब्लैक सी कंसिडरेशन में था, और उस समय अमेरिका ने कोऑर्डिनेट्स दिए मोक्सवा को डुबाने के लिए। मतलब ये कि ब्लैक सी कंसिडरेशन में था। ब्लैक सी का सिग्निफिकेंस क्या, ब्लैक सी को लाल कर दिए जाने की तैयारी है, ये हम समझना चाहते हैं। यहां पर देखिए आप कितने फ्रिगेट्स तैनात हैं, रशियन फ्लीट्स तैनात हैं, उधर सेवस्तोपोल की तरफ तैनाती है ही, इधर आप देखिए न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लिए हुए यहां पर जंगी बेड़े तैनात हैं, कैलिबर मिसाइल से लैस दो पनडुब्बियां यहां पर तैनात हैं। ब्लैक सी पर अब अमेरिका की निगाहें हैं, आने वाले दिनों में यूक्रेन को मदद दी जा सकती है, यूक्रेन को ऐसे हथियार और मिसाइल दिए जा सकते हैं जो ब्लैक सी में उसको एक अपर हैंड दे सके, इस बात को रूस भांप रहा है, और मोक्सवा के डूबने के बाद से तो उसका प्राइड भी आहत है। मैं समझना चाहता हूं यूके देवनाथ साहब से, यहां पर अगर दोनों ही तरफ से होड़ है तो चलेगी किसकी, यूके देवनाथ साहब? जी हां, रूस अपने तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा है कि ब्लैक सी में उसका दबदबा रहे। नेटो कंट्रीज जानती हैं कि वो अमेरिकन या नेटो वॉरशिप्स को मेडिटेरियन सी से बॉस्फोरस के थ्रू ब्लैक सी में एंट्री नहीं दिलवा सकती, इसलिए रूस भी बहुत केयरफुल है कि किसी भी तरह से ब्लैक सी में नेटो वॉरशिप्स या रशियन वॉरशिप्स के बीच में कोई स्कर्मिश ना हो, क्योंकि ऐसा होने पर शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगा। फिलहाल नेटो कंट्रीज ये कोशिश कर रही हैं कि अपने तरफ से एंटी शिपिंग जो मिसाइल्स हैं जैसे नेपच्यून और दूसरी एंटी शिप मिसाइल्स, नेटो कंट्रीज उनको पोजिशन कर रही हैं ब्लैक सी का जो यूक्रेनियन कोस्ट लाइन है उस पर। वहां पर नेटो ने जो नेपच्यून मिसाइल और दूसरी जो मिसाइल्स हैं एंटी शिपिंग, उनकी बैटरीज लगाकर ये तो कर ही लिया कि उन्होंने मोस्कवा को डुबा दिया, और इसके भय से रूस की जो सरफेस शिप्स हैं वो ब्लैक सी में 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक पीछे हट गई हैं, और अब रूस समुंदर के नीचे अपनी सबमरीन डिप्लॉय कर रहा है जिनके ऊपर की नेपच्यून जैसे मिसाइल्स का ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। जी हाँ, इन सबमरीन से रूस जरूरत पड़ने पर एंटी सरफेस एंटी कमांड कंट्रोल
सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग अलग तरह के मिसाइल, जैसे इस्कंदर मिसाइल है। लेकिन मुझे ये लगता है सर कि एक तो ये बात भी पहले ऑब्जर्व की गई है और कई बार कही, टर्की ने ये बात कही थी कि एक तरीके से बैकयार्ड लेक के तौर पर डेवलप कर लेना चाहता है ब्लैक सी को रूस, मतलब रूस बहुत पहले से इस सिग्निफिकेंस को समझ रहा था। यह बात रेसेप तैयब एर्दोगन ने कही थी। एक अहम खबर बताता हूं और उसके बाद आप लोगों के पास चर्चा के लिए वापस लौटता हूं। रूसी तैनाती का मकसद समझना बहुत आवश्यक है। अमेरिका ने रूसी ब्लॉकेट को तोड़ने की बात कही थी, यूक्रेन को हार्पून और नेवल स्ट्राइक मिसाइल देने की बात कही थी। 300 किलोमीटर ये रेंज है इस मिसाइल से, हमले की आशंका रूस को लगातार बनी हुई है और इसलिए रूस अब किसी भी बात को यहां हल्के में नहीं ले रहा। ब्लैक सी ये ब्लॉकेट अगर बना रहता है कर्नल शैलेंद्र, तो ये आने वाले दिनों में क्या केवल इस इलाके के लिए या पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत बड़ी समस्या पूरी दुनिया के लिए ही प्रोड्यूस हो रही है। बट आपने जो पहले सवाल किया था कि क्या रूस गलत है या नहीं है, रूस बिल्कुल गलत है। बट आप कौन से सही हैं? आपने ऐसा कौन सा एक्शन किया अभी तक जो सही है? आप लोगों ने, यूएस ने, नेटो ने, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ने कौन सा ऐसा पीस प्रपोजल दिया जिसके ऊपर बात उसने नहीं करी? आप पीस प्रपोजल, आप किस में लगे हुए हैं? आप आर्मिंग में लगे हुए हैं। आप आज भी जब यूक्रेन तकलीफ में है, आपको दिख रहा है कि ब्लैक सी के अंदर रशिया जानबूझकर ये मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहा है। क्यों डिप्लॉय कर रहा है भाई? आपने जो सैंक्शन लगाने थे आपने लगा लिए, अब वो अपने तरीके से काम कर रहा है। भाई एक वन वे तो होगा नहीं ना, राइट? ये मेरा सैंक्शन है, राइट? मैं ब्लैक सी में आपको ग्रेन लेकिन एक का रूल बेस्ड ऑर्डर है, मैं रूल बेस्ड दूसरे का एनआरकी वाला ऑर्डर है। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बोला, रूल बेस्ड ऑर्डर। इज इट रूल बेस्ड ऑर्डर और इज अ फूल्स बेस्ड ऑर्डर? जो उस फूल ने कह दिया यूएस ने वो ऑर्डर बनेगा। नहीं, लेकिन मैं करूंगा, ये फूल भी तो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ताइवान के नजरिए से देखिए, आपको फूल नहीं लगा विशंबर सर? देखिए, रूल बेस्ड ऑर्डर तो कभी नहीं है, माइट इज राइट इस दुनिया में भाई। जो पांच कंट्रीज हैं वो माइट थी, तो वो यूएन में पावरफुल थी, वो वीटो कर सकती थी। वोट का तो कभी दम बात थी नहीं ना, बात वीटो की थी, वोट की नहीं थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।